खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बड़वा में नर्मदा का जल स्तर अत्यधिक होने से बड़वा पुल से आवागमन बंद कर दिया गया है। नर्मदा का जल स्तर ज़्यादा होने से बैकवाटर मेहता खेड़ी से नावघाट खेड़ी के बीच आ गया है। बैकवाटर में दोनों गांव के बीच स्थित पुलिया डूब गई, जिससे 6 गांवों का आवागमन ठप हो गया। पुलिया के पास कई फीट तक पानी भर गया, इससे लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मदद से एक युवक ने बैकवाटर पर नाव चलाना शुरू कर दी। ग्रामीणों को मजबूरन अब नाव से रास्ता पार करना पड़ रहा है। ये मार्ग मेहता खेड़ी, कटघड़ा, रामगढ़, विमलेश्वर, बेलसर सहित आश्रमों को नावघाट खेड़ी और इंदौर खंडवा हाईवे को जोड़ता है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूरिया प्रदान नीति में किए गए बदलाव को लेकर जगह जगह व्यापारी संघ द्वारा पूर्व की जो उर्वरक नीति थी उसको यथावत करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में सेगांव खाद बीज व्यापारी संघ के प्रतिनिधि भी जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चावला, मुफज्जल भाई, हुसैन भाई, खरगोन ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पाटीदार के नेतृत्व में विधायक केदार डावर से मिले और उन्हें विस्तार से बताया कि पूर्व में 50% निजी क्षेत्र और 50% सहकारिता क्षेत्र में कंपनियां यूरिया प्रदाय करती थी, लेकिन यूरिया की प्रदाय व्यवस्था में बदलाव करके निजी क्षेत्र को पूर्णतः बंद कर 100% सहकारिता के माध्यम से आदेशित किया गया है, जिसे तुरंत प्रभाव से निरस्त कर पूर्व की नीति को यथावत किया जाए। ज्ञापन में यह भी बताया कि सरकार के इस आदेश से मध्य प्रदेश में उर्वरक व्यवसाय से जुड़े 15,000 व्यवसायी और व्यापारियों से जुड़े लगभग 15 लाख परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति बनने पर प्रदेश के लिए अत्यंत भयानक होगी और किसान को एक ही स्थान से यूरिया लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ेगी। इसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमने वर्तमान सरकार ने जो 100% यूरिया विक्रय के लिए सोसाइटी को अधिकृत किया है, उसके लिए हमारे विधायक जी जो केदार डावर हैं उनसे मिले थे और उनसे हमने मांग करी थी कि जो 50% सोसाइटी और 50% निजी विक्रेताओं को पहले से देते आ रही सरकार, उसको यथावत किया जाए, जिससे कि निजी विक्रेताओं का भी रोजगार चलता रहे और किसानों को भी माल मिलता रहे। क्या बोले विधायक? फिर विधायक जी ने ये आश्वासन दिया है कि बोला मैं इसके लिए श्री कमललाल जी से मिलूँगा और ये सामने बात रखूंगा और इसकी पूरी पूरी मैं कोशिश करूंगा। क्या नाम? अभी मुझे व्यापारी संघ ने अवगत कराया है और जो सरकार की नीति बनी है यूरिया पहले जो फर्टिलाइज़र किसानों को 50% समितियों के माध्यम से और 50% व्यापारी जो कृषि कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से बाज़ार में वितरण होता था, उसे खत्म करके एक तरफा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करने के आदेश मिले हैं और उसको यथावत पूर्व व्यवस्था अनुसार यथावत रखने की मांग की गई है। मैं जल्दी मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर इस समस्या को निदान कराने की बात करेंगे, जन सुविधाओं को यथावत पूर्व जैसी रखने की मांग करेंगे, कम करने की बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह की राह में शहादत की मिसाल पेश करने वाले हजरत इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व की तारीख 10 की रात में जगह जगह जुलूस निकाला गया।